हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मंजू कास्तूर और कास्तूर रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बढ़िया से दाल चावल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए बनाते हैं दाल चावल। देखिए, यहाँ पर मैंने 2 ग्लास मलका दाल ले ली है। चलिए बनाते हैं। 1 चम्मच ऑयल डाला है कुकर में। गरम होने के बाद 1 टेबल स्पून जीरा डाला है। तो अच्छी तरह से चटक जाए तो 2 चुटकी हींग, उसके बाद 4-5 लहसुन की कलियां इस तरह कट करके डाली हैं। उसके बाद 1 प्याज बारीक चॉप करके इस तरह से इसे भी भून लेंगे। देखिए, प्याज भी हमारी भून चुकी है। अब उसके बाद हम टमाटर डालेंगे। 1 टमाटर यहाँ पर डाला है मैंने इस तरह चॉप करके, और 2 हरी मिर्च डाली है। देखिए, हमारा सारा अच्छी तरह भुन चुका है, टमाटर, प्याज, लहसुन। देखिए, बढ़िया से ऑयल छोड़ दिया है। यहीं पर 1 टेबल स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। इन सबको कर लेंगे मिक्स और टमाटर को फोड़ लेंगे और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा पानी और मसाले को भुनने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर मैंने दाल को 3 पानी से धो लिया है। और चलिए, दाल को मैं ट्रांसफर कर देती हूँ इसमें। उसके बाद जब हमने 2 गिलास की दाल ली है तो इसमें 4 गिलास के करीब हम पानी डालेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो बाद में भी पानी का यूज कर सकते हैं। चला देंगे इसे और इसे कर देंगे ढक्कन बंद 2 विसल आने तक। ये देखिए, 2 सीटी इसमें आ चुकी हैं। दाल हमारी पककर तैयार हो चुकी है। इसे एक बार चला देंगे। ऊपर से डाला मैंने सब्जी मसाला और धनिया पत्ती। आप चाहें तो इसमें दाल मसाला यूज कर सकते हैं, लेकिन सब्जी मसाले से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। फिर से इसे चला लेंगे। लीजिए, बढ़िया सी हमारी दाल चावल वाली दाल बनकर रेडी है। चलिए अगला प्रोसेस करते हैं। 2 गिलास ही मैंने यहाँ पर चावल ले लिए हैं। इनको आधे घंटे के लिए भिगो कर छोड़ दिया है। 2 टेबल स्पून मैंने देसी घी डाला है। इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून जीरा और उसके बाद जब अच्छी तरह चटक जाए तो इसमें चावल ट्रांसफर कर देंगे। चावल को हमें भिगो कर ही रखना है आधे घंटे तक, तो बहुत अच्छा चावल बनता है। 2 गिलास ही चावल थे तो इसमें कम से कम हम 4.5 गिलास ही पानी डाल देंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि चावल हमारे अच्छी तरह डूब जाएं और पानी थोड़ा सा ऊपर रहे, तो ये भी मेजरमेंट सही रहता है। अब इसमें ढक्कन लगा देंगे और 2 विसल आने तक इसे हम कुक कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। देखिए कितने खिले खिले और बढ़िया चावल बने हैं। आप चाहें तो इसमें ऑयल का या देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं। घी का प्रयोग करने से इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो ये ऑप्शनल है। तो देखिए कितने बढ़िया खिले खिले चावल हमारे बनकर तैयार हैं। तो आप भी ऐसे चावल घर में बनाइए। देखिए एकदम खिले खिले चावल है। ये मोटा वाला वनस्पति सैला चावल है। देखिए दाल भी हमारी कितनी बढ़िया बनी है। अब यहीं पर हम रखेंगे 1 अचार का टुकड़ा। आम का अचार रखूंगी यहाँ पर मैं, बहुत अच्छा लगता है दाल चावल के साथ। और 1/2 नींबू जो मैं दाल में निचोड़ने वाली हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है दाल का। खट्टा खट्टा चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए बढ़िया से दाल चावल हमारे बनकर तैयार हैं। ऊपर से डालेंगे धनिया पत्ते। सर्दी हो या गर्मी, आप किसी भी मौसम में दाल चावल बनाकर खा सकते हैं। सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। और ऐसे ही हम नई नई रेसिपी के साथ आपसे मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आए हो आपके घर में मेहमान, तो खिलाइए और एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही नई नई रेसिपी के साथ
हम आपसे मिलते रहेंगे और आप भी अपना हमें ढेर सारा प्यार देते रहिए। तो मिलते हैं आगे। नमस्कार।